आज आप सीखेंगे यूज ऑफ एबल एंड अनेबल टू। तो एबल और अनेबल टू का प्रयोग अंग्रेजी बोलने में कैसे करते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। एबल अनेबल टू का प्रयोग लेता लेती लेते पाता पाती पाते किस सेंस में करते हैं, किस सेंस में करते हैं, लेता लेती लेते पाता पाती पाते किस सेंस में करते हैं। जैसे आप कई बार बोलते होंगे हिंदी में, वह इस काम को कर लेता है, वह अंग्रेजी बोल लेता है, मैं चल पाता हूँ, वह नहीं खा पाता है, इस तरीके का। तो चलिए सीखते हैं अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। तो सबसे पहले आप सीखेंगे स्ट्रक्चर, क्या सीखेंगे, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज, अम, आर, वाज, वर्स, सेंस और टेंस के अनुसार। इज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के, अम का प्रयोग आई के साथ, आर का प्रयोग यू, वी, दे, आर यानी प्लुरल सब्जेक्ट के साथ, वाज, वर का प्रयोग आप पास्ट में करेंगे, वाज का सिंगुलर के साथ और वर का प्लुरल के साथ करते हैं। उसके बाद एबल का प्रयोग पॉजिटिव में करिएगा, अनेबल का नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे। जहां पर नहीं का सेंस आएगा वहां पर अनेबल लगाएंगे, नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। एबल और अनेबल, एबल का प्रयोग पॉजिटिव में, अनेबल का नेगेटिव में। उसके बाद टू का प्रयोग करिए, उसके बाद वर्ब का पहला रूप यूज करिएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाइएगा, उसके बाद अदर वर्ड। समझ में आया, बहुत ही आसान है। चलिए हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं और एग्जाम्पल से बिल्कुल अच्छे से आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। तो यह रहा पहला सेंटेंस आपके सामने, वह अब अंग्रेजी बोल लेता है। देखिए लास्ट में आया ना लेता है, प्रेजेंट में ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं अंग्रेजी में बात कर लेता हूं। देखिए लेता हूं, I am able to talk, बात कर लेता हूँ, I am able to talk in English, मैं अंग्रेजी में बात कर लेता हूँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, बहुत ही आसान है सीखना, वह दौड़ नहीं पाता है। देखिए सेंटेंस आपका नेगेटिव हो गया, नहीं, वह दौड़ नहीं पाता है, ही इज अनेबल, देखिए एबल की जगह पर अनेबल, ही इज अनेबल टू रन, ही इज अनेबल टू रन, वह दौड़ नहीं पाता है। नेक्स्ट सेंटेंस, वह क्रिकेट नहीं खेल पाता है, ही इज अनेबल, नहीं है इसलिए अनेबल, ही इज अनेबल टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल पाता है, ही इज अनेबल टू प्ले। अगर पास्ट होता था थिया जाता तो इच की जगह पर वाज हो जाता, ठीक है, प्रेजेंट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या से शुरू हो रहा है सेंटेंस, क्या तुम अंग्रेजी बोल लेते हो। तो इसमें क्या करते हैं कि जो इज अमार सब्जेक्ट के बाद आता था वो पहले आ जाएगा, आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम कार क्यों नहीं चला पाते हो। देखिए बीच में आ गया क्यों, कहां, कब, क्यों और कैसे, जो भी बीच में अगर आ जाए उसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं। जैसे यहां पर क्यों आया है, वाई लिखा गया है, वाई आर यू अनेबल टू ड्राइव द कार, वाई आर यू अनेबल टू ड्राइव द कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन फ्री है, यदि आप कर लेंगे सब्सक्राइब तो जो भी वीडियो बनेगा आप तक पहुंचेगा। अगर वीडियो चीजें समझ में नहीं आती तो एक बार और वीडियो जरूर देखें, चीजें समझ में आ जाएंगी।